वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। बेटा सबसे पहले तो हम लोग आज के इस वीडियो के माध्यम से डिस्कशन करने वाले हैं कल संविधान दिवस के उपलक्ष्य में जो हमारे पूरे राजस्थान में राज्य स्तरीय एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, निबंध प्रतियोगिता का। तो उसके बारे में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ और ये बहुत एक अहम प्रतियोगिता है और इसके रजिस्ट्रेशन के लिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन करा लिया होगा। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, तो आप डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो उस लिंक के माध्यम से आप लोग जो है इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। तो सबसे पहले तो आप लोग रजिस्ट्रेशन ज़रूर करा लें क्योंकि ये बेहद ज़रूरी है। और इसके अतिरिक्त मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि जो गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा है, राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा, तो उसके सभी विद्यार्थी चाहे कोई भी हो, रेगुलर यदि आप लोग पढ़ते हैं तो आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और टाइमिंग जो है आप लोगों के लिए वो रखी गई है, सवेरे आप 10:30 बजे कॉलेज आ जाएँ, 11 बजे से आपको एंट्री दी जाएगी और 11:30 से लेकर के और 1:30 बजे के दरमियान जो है ये एग्ज़ाम है, एक प्रकार से जो निबंध प्रतियोगिता है वो ली जाएगी। और एक मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि कुछ बच्चे बार बार में पूछ रहे हैं कि सर पैराग्राफ में लिखें या पॉइंट्स में, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। बाकी आप लोग थोड़ा सिस्टमेटिक होके लिखोगे तो बेटर रहेगा, और पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं और पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। सबसे और ये 100 अंकों का जो पूरा पेपर है, और 100 अंकों के पेपर में आपको लगभग 2000 शब्दों का प्रयोग करना है, और 2000 शब्द जब आप लिखोगे तो ये बहुत बड़ा निबंध हो जाता है। 2 घंटे भी हैं आप लोग के पास, तो आप लोग आराम से निबंध के लिए पहले लेआउट तैयार करें, खाका तैयार करें और उसके बाद आराम से लिखें, कहीं किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो एक तो ये है कि आप अपने साथियों के साथ इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दें, और मैंने पिछला एक वीडियो बनाया है, आज ही बनाया है, आप लोग उसमें देख लें। मैंने अम्बेडकर जी के जो आर्थिक विचार हैं उनको उसमें समाहित करने का प्रयास किया है, जिससे कि आप लोग जो है मैक्सिमम जान सकें अम्बेडकर जी के बारे में, उनके विचारों को जान सकें। और ये आपके लिए भी बेहद एक ज़रूरी सा बन जाता है कि हम लोग अम्बेडकर जी के विचारों को आत्मसात करें और उसी हिसाब से जो है आगे बढ़ें। तो सभी बच्चों को मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं देना चाहूँगा। मैं पुनः दोहरा दूँ, राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा में जो है हम लोगों ने जो टाइमिंग रखी है वो आप लोग 10:30 बजे कॉलेज आ जाएँ और उसके बाद 11 बजे से जो है एंट्री है। आप लोगों को अपने साथ जो है रजिस्ट्रेशन, एक तो अपने फीस की रसीद लानी है एडमिशन की, और एक आप लोगों ने जो रजिस्ट्रेशन कराया है उसका स्क्रीनशॉट आप लोगों को लेकर के आना है। बस यही एक पैरामीटर है, इसके अलावा और कोई पैरामीटर नहीं है आप लोगों की एंट्री का। और इसके अतिरिक्त जैसा कि पहले ही कहा गया है कि इस प्रतियोगिता में पुरस्कार की राशि जो है काफ़ी अच्छी है। पिछले वीडियोस में बताया गया है कि राज्य स्तर पर तो प्रथम पुरस्कार 51,000 का है, फिर 31,000 और 21,000 के पुरस्कार हैं, तो ये बहुत अच्छे पुरस्कार हैं। इसमें कोई दोराय नहीं है कि बहुत एक प्रकार से सरकार का अच्छा इनिशिएटिव है कि हम लोग बाबा साहेब के विचारों को, जो आर्थिक विचार है उनको एक्सप्लेन करें, और उसको एक्सप्लेन करने का एक बहुत बढ़िया अवसर है। आप सभी को शुभकामनाएं मैं देना चाहूँगा अपनी तरफ से, और आप सबको पता है कि ये कितना ज़रूरी आप लोगों के लिए इन फ्यूचर में होने वाला है, और इनाम भी आपको मिल सकती है, अच्छा पुरस्कार है, और आपकी लेखन शैली सुधरेगी। आप सभी को शुभकामनाएं, और रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। आप सभी जो भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनके लिए मैं एक चीज़ और बता दूं कि आप लोगों को यदि और डिटेल्स चाहिए हो कॉलेज से रिलेटेड या दूसरे किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में ही आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप के लिंक जो है मेरे मिल जाएंगे, वहाँ से आप लोग जो है मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आप सभी को ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएँ, शुभ रात्रि बच्चों।